Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. सोलन के सभी लोग अचंभे में है क्योंकि देर रात ओल्ड बस स्टैंड पर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दुकान का शटर टूटकर बाहर गिर गया। आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आ गए और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग एवं पुलिस को दी गई। हैरानी वाली बात ये रही कि ना तो दुकान में आग लगी और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर भी धमाके के साथ शटर टूट गया। दुकान के अंदर रखे दो सिलेंडर, गैस कुकर सब ठीक है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ आज सोलन में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस हर पहलू पर नजर रखकर जांच में जुट गई है। अग्निशमन विभाग के फायर अधिकारी राजा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको देर रात फोन पर घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था, लेकिन कहीं आग नहीं लगी हुई थी। दुकान में रखे दो सिलेंडर भी ठीक थे और कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। उन्होंने भी इस दुर्घटना होने पर हैरानी व्यक्त की और कहा कि शायद दुकान बंद होने के कारण दुकान के अंदर गैस का दबाव बन गया होगा, जिस वजह से प्रेशर से शटर टूट गया। हमारे को आग की सूचना जो है 9:57 पर मिली। जैसे हमें सूचना मिली, हमने जो तुरंत जो है अपना टर्न आउट मूव किया। जब मौके पर जाके देखा तो वहाँ पे जो है दुकान का शटर बाहर गिरा हुआ था, अंदर सिलेंडर थे, दो सिलेंडर, और वो भी लोगों ने बाहर निकाल दिए थे। इंडक्शन था जो ऑन था, उसके ऊपर कुकर रखा था, वो भी हीट में नहीं था। हम तो परेशान है कि ये ऐसा कैसे होगा कि सिलेंडर शटर बाहर गिर गया, ना कोई फायर है और ना ही यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव हुआ है। ये घटना ओल्ड बस स्टैंड लांबा टी स्टॉल अनिल कुमार के दुकान में हुई, जिसमें कि शटर बाहर गिर गया हुआ है, अंदर दो सिलेंडर थे, इंडक्शन था, उनको कोई नुकसान नहीं था, ना ही वहाँ कोई आग थी। हम ये तो जांच का विषय कि इसमें ऐसे क्या हो गया कि शटर बाहर गिर गया। आदर्श समाचार के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।